Hi everyone, so finally we are back from hospital और अभी आज हमारी थी due date and Sunday को we are getting induced और डॉक्टर ने दो दिन दिए हैं, अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो she will induce and Sunday जो है finally मैं एडमिट हो रही हूँ एंड आई थिंक मंडे बेबी हो जाएगा, राइट? है ना सुशांत? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अभी हम डायरेक्ट घर आ गए और मैं सुशांत के साथ वापस घर चली जाऊँगी। सो या आर यू एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बस और मुझसे भी वेट नहीं हो रहा। मैं सबके बच्चे देख रहा हूँ, नजरें लगा रहा हूँ नजरें लगा रहा हूँ अभी तो सुशांत जो है ना चावल इंजॉय कर रहे हैं। So, best of luck. And I am also exhausted, nervous, happy, and excited at the same time. Scared also, क्योंकि getting induced is not so easy. So yeah, let's see क्या होता है. आज तो मैं सुशांत के साथ घर चले जाऊंगी, as I told you guys. Now let's see, अभी हम डॉक्टर के पास से आए हैं तो सब कुछ पता चला है आज हमें. एंड संडे जस्ट 2 days लेफ्ट. सो या मैंने कहा उससे पहले मैं छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करना शुरू कर दूं. बेबी बैग भी रेडी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. एंड अभी से हमारा जो है झूला साइड में रेडी है और वो वाली फीलिंग्स आ रही है. हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे. टुडे और टुमारो पता नहीं, अल्लाह की मर्जी. बट मैं घर आ गई थी सुशांत के साथ और टुडे इज संडे. एंड आगे बस थोड़े से नर्वस हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लाइबा के घर, उसके बाद वहां से जाना है हॉस्पिटल. तो yes. बस दुआ करें, आप जब देखेंगे तब तक तो साथ खरीद के सब हो चुका होगा. बट या स्टिल दुआओं की उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑफ कोर्स. बट अभी घर पे है दावत तो वो अटेंड करके हम 11:30 पे अपने घर से निकलेंगे. वहाँ से बेबी बैग, मेरा बैग और सारी चीज़ें उठानी है तो घर पहुँच के आप लोग को अपडेट करते हैं. ठीक है, मैं मम्मा के घर आ गई थी. ये रहा गद्दा और ये रहा मेरा सूटकेस. हाँ, कौन सा बैग? बाहर है, बाहर. कौन सा बैग? ये जो है ये भी खाली. मॉशरूम जा रहा हूँ क्योंकि आई एम कंफ्यूज ना यार. जिशान आपको ये देखो, ये औरत इतनी कंफ्यूज हुई हुई है. इतनी इतना तो मैं जितना ये हुई. अब मेरा सूटकेस निकालो ना, तब पता चलेगा. सूटकेस निकालो ना, ये फंसा हुआ है अंदर. चक्कर आ गया मुझे. And I'm scared. देखिए भाई, हम रूम में आ गए हैं. सही है, बेगम अभी नहीं आई है. बेगम का वेट कर रहे हैं. बेगम को आने में भी टाइम है. अस्सलामुअलैकुम. अच्छा जी, हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे और लाइबा को अभी लेबर रूम में लेके गए हुए हैं और मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि वो कब आती है बाहर. थोड़ा नर्वस भी हूँ और डर भी लग रहा है, बट देखें अल्लाह साथ खरीद के सब करा दे इंशाल्लाह. अच्छा जी, अभी बज रहे हैं तकरीबन 2 और अभी तक लाइबा रूम में नहीं आई, वो अभी तक लेबर रूम में ही है. और एक हस्बैंड वाइफ के लिए ये बहुत ही एक मुश्किल मरहला होता है. मतलब अब मेरे ऊपर ये बीत रही है तो मैं इसको फील कर रहा हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ के लिए मतलब कैसा फील हो रहा होता है उनको, कितनी टेंशन में होते हैं. कि मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि वाइफ मेरे अंदर लेबर रूम में है और बस मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ, यासीन पढ़ रहा हूँ और बस वेट कर रहा हूँ. तो मैं बस दिल से ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमाए और सबके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए. अच्छा, लाइबा की जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है. उसको पेन्स आ रहे हैं लेकिन वो अनबियरेबल हैं. तो बस मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा आप लोगों से क्या शेयर करूँ. मैं अभी तक कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया लेकिन बस मैं भी दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि
साथ खैरियत के उसकी डिलीवरी हो जाए, तो जब होगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह अपने बेबी को। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या नानी बन गई। दोनों की फाइटिंग चल रही है आपस में। आजा, आजा मेरे पास। आने ही नहीं है। तो जो भी बोलो मैं तो लैला से ही बुलाऊंगा। आप इतना गंदा नाम ले। जो भी नाम रखना रख लो। मेरी गुड़िया दे दो। ले लो यार। ले लो अब इससे। तुम दे नहीं रहा। हर वीडियो बनाएंगे हम। ऐसे पड़ी हुई। चलो यार हो रही है जंग फिर से। यार मैं एक घंटे से बैठी हुई हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठा था नीचे। मैंने कोई नहीं ली। आप पहले मेरे से लो। चलो चलो शाबाश। चलो मैं एक घंटे से नीचे बैठा था। समी दे यार तुम आए हो जानो मिलने। ये जान का अजाब बना हुआ है मेरे। हाँ भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। जो हमारे गेस्ट थे हम तो उल्टे ही निकले हैं। हाँ लेकिन माशाल्लाह ये रहमतें होती हैं बरकतें होती हैं। बता दूँ क्या है? हाँ जाहिर है भाई माशाल्लाह बेटी हुई है मेरी। यहाँ तो बेटियाँ तो आपको पता है कि अल्लाह एक समझे एक तोहफा देता है अपनी तरफ से। लेकिन हस्बैंड वाइफ रेडी रहे इजी प्रोसेस। लेकिन दुआ करें नमाज पढ़ें अल्लाह को याद रखें तो हर मंजिल आसान है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और अल्लाह आप सबको एक प्यारा बेटा एक प्यारी बेटी अता फरमाए। जिनके नहीं सबको सबके हमारे दिल से दुआएं। इवन हॉस्टल में भी मतलब जब जब हम लोग बैठे हुए बस मैं यही सोच रहा था कि लोग मतलब इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसके बाद पता चलता है भाई कि माँ के जो तकलीफ़ है वो सहती है उसके। इसीलिए उसको माँ को माँ कहा जाता है क्योंकि जो मोहब्बत माँ को होती है ना बच्चे से उसका कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल। हाय एवरीवन सो ही इज फाइन। आई एम आल्सो फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी आर जस्ट गोइंग होम बैक इन वन आवर और हमारा हो रहा है हमारे रूम से चेकआउट और जिशान और मैं जो ना वो बिल्कुल धमचक्कर बनाऊं एक के बाद एक काम एक के बाद एक काम। बस अभी ये जो फाइल है ना इससे जो है जान छूट गई। तो हॉस्पिटल आए देखें तो याद रखें आप कसाई की दुकान पे आए ठीक है आपको काटेंगे और कांटे सब तेज रखते हैं। सजीव को बड़ी अच्छे से भारी करके लाए। चले अब हम निकलते हैं घर। फैमिली प्लानिंग करें। यस फैमिली प्लानिंग करें। बट हमें आप लोगों की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है और बहुत सारी दुआओं की गुड़िया को भी हमारी ज़रूरत है कि सब कुछ ठीक रहे जैसे अभी तक ठीक रहा है। सो बस ये तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने आपके साथ शेयर करनी थी वो कर दी। ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि जिशान एक्सट्रीम टेंशन में थे मेरी वजह से। वो सारी स्टोरीज हम जो है ना बैठ के आराम से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या हुआ क्या पूरा स्टोरी व्लॉग बनाएंगे। यस एग्जैक्टली मतलब जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे उस वक्त से लेके एंड सिचुएशन तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सबानी गुड़िया रो रही है।